जय हिंद बच्चों। ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता, बस कल किसी ने कमेंट किया था सर प्रैक्टिस सेट 1.5 या 1.4 में क्वेश्चन नंबर 6 जो कि स्टार क्वेश्चन है, हर किसी को सताता है, बस एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। उससे पहले भी एक कमेंट आए थे रावस, उसने किया था कि प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 6 में के सम सॉल्व करके दो। ठीक है, आज मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों वीडियो अपलोड करने की, हालांकि उतना नेट नहीं है इससे मैं अब ज्यादा बात नहीं करता इधर उधर की, सीधा मुद्दे पे आता है। व्हाट वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। बस ट्रेवल विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, फाइंड डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस। थोड़ी देर के लिए मान के चलो विशाल की जगह पे अपने आउटे सर है, आउटे सर ने कुछ डिस्टेंस कवर किया है। अब कैसे कवर किया है? हाँ, कितना डिस्टेंस कवर किया? जब मैंने क्वेश्चन रीड किया तो एक बात मेरे को क्लियर हो गई, जो भी आउटे सर ने डिस्टेंस कवर किया है वो पूरा डिस्टेंस 1900 किलोमीटर है। अब जो डिस्टेंस कवर किया है, सर ने एक ही गाड़ी यूज की क्या? नहीं, कुछ डिस्टेंस बस से कवर किया है और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से कवर किया है। आप भी मानते हैं? मानता। ठीक है, फिर आगे चलकर उन्होंने थोड़ी सी जानकारी दी, द एवरेज स्पीड ऑफ बस, जो बस की स्पीड है वो कुछ तो भी दिया है 60 किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर। बस की रफ्तार कितनी है और एरोप्लेन की रफ्तार कितनी है वो भी दिया है, और पूछा है कि आउटे सर ने बस से कितना ट्रेवल किया वो हमें ढूंढना है। चलो, अब सोचा 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 एक बात तो पक्की हो गई, अगर मैंने ए से मेरी जर्नी स्टार्ट की और बी तक खत्म हो गई तो एक बात इसमें पक्की है, ए से स्टार्ट किया और कहां पे खत्म हो गई? बी तक खत्म हो गई, तो पूरा डिस्टेंस कितना है? 1900 किलोमीटर वो दिया है, यहां से मैंने स्टार्ट किया और बी को एंड किया। ठीक है, अब ए से डायरेक्ट में बी तक नहीं गया, ए से बीच में मैंने बस का इस्तेमाल किया और जहां से बस से उतर गया वो स्टॉप से मैंने एरोप्लेन की मदद ली, तो ऐसे मानते, क्या मानते? लेट, अब वहां पे विशाल है तो मैं यहां पे लिख दिया, लेट आउटे सर ट्रैवल x किलोमीटर बाय बस। अब बस से मैंने कितना ट्रैवल किया पता नहीं, मान के चलो यहां से देखे समझो x किलोमीटर यहां तक किससे मैंने प्रवास किया, मेरी यात्रा बस से की। ठीक है, लेट आउटे सर ट्रैवल x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन, और जो बचा हुआ उसको मैंने y किलोमीटर माना। अब इसकी मदद से मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, क्या बस से कुछ ट्रैवल किया, कुछ एरोप्लेन से ट्रैवल किया, यहां से यहां तक बस, यहां से यहां तक एरोप्लेन, पर पूरा कितना है? 1900। एक इक्वेशन बड़ी आसानी से आ गया, अगर इसको सॉल्व करना है तो मेरे पास और एक इक्वेशन होना जरूरी है x और y के फॉर्म में, तब जाके वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बनने वाला है और x और y की वैल्यू आने वाली है। अब एक तो बड़ा आसानी से बन गया, अब मेरे पास क्या है? स्पीड है, स्पीड किसकी? बस की भी स्पीड है, बस का डिस्टेंस भी है, एरोप्लेन की स्पीड है, एरोप्लेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो भी है, तो मैं क्या लगाऊ फॉर्मूला क्या लगाऊ ताकि मेरा इक्वेशन बन जाए? अरे यार, मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्या? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का एक फॉर्मूला आ गया, अगर टाइम निकालना है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, आप बस ने यहां से यहां तक ट्रैवल किया तो कुछ समय भी लिया होगा, कितना समय लिया वही तो हम निकालते हैं, टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय बस। ठीक है, बस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यहां से लेके यहां तक, लेट आउटे सर ट्रैवल x किलोमीटर बाय बस, तो बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया? x किलोमीटर। ठीक है, स्पीड कितनी है बस की? बस की स्पीड कितनी है? बस ट्रैवल विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। चलो, जैसे बस से हुआ वैसे टाइम टेकन बाय एरोप्लेन से भी किया, तो फॉर्मूला क्या है? अब एरोप्लेन से मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया? y किलोमीटर, और उसकी स्पीड कितनी है?
700 किलोमीटर पर आर छोटी गई, यहां से यहां तक आया, यहां से यहां तक आ गया, पर दोनों की मदद से जब मैंने ए से लेके बी तक गया तो कितना समय गया, इट टेक्स फाइव आर मतलब टाइम टेकन बाय बस प्लस टाइम टेकन बाय एरोप्लेन इक्वल टू कितना है 5 आर। तो और एक इक्वेशन बन गया, टाइम टेकन बाय बस x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इक्वल टू 5। अब इसमें किसी को कोई डाउट, मेरे पास डिस्टेंस है, मेरे पास टाइम है, स्पीड है, मेरे पास स्पीड थी और डिस्टेंस था, तो मैंने टाइम निकाला। किसका टाइम निकाला, कितना समय बस ने लिया, कितना समय एरोप्लेन ने लिया, और T1 प्लस T2 ने लिया, टाइम टेकन बाय बस एंड टाइम टेकन बाय एरोप्लेन, टोटल टाइम कितना लिया 5 आर दिया, तो टी बाय बस प्लस टी बाय एरोप्लेन इक्वल टू 5। तो मैंने कैलकुलेट किया पुट किया ठीक है। अब 60 और 700 का एलसीएम निकालने की कोशिश करो, क्या आने वाला है 60 और 700 लिस्ट कॉमन मल्टीपल 2, 2 30, 2 3, 2 5, 2 15, 2 1, 2 7, 2 1, 2 7, 14, 2 5, ठीक है, 5, 3, 5, 3, 15, 5, 5, 3, 35, 7, 7, 1, stop करो, इनका मल्टीप्लाई करो, 2, 2, 4, 4, 5, 20, 3, 5, 15, 15, 7, 7, 5, 35, 7, 7, 8, 9, 10, 105, चलो 105 और 20 का मल्टीप्लाई करो, जीरो अपनी जगह पे, 2, 5, 10, 2, 0, 0, 1, 2, 1, 2, तो 2100 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 60 एंड 700। तो क्या करो, मल्टीप्लाई 2100 ऑन बोथ साइड, तो मैंने क्या किया, x अपॉन 60 इंटू 2100 प्लस y अपॉन 700 इंटू 2100 इक्वल टू 5 इंटू 2100। सर ऐसे क्यों करने का, जो अपॉन में 60 और 700 उसको हटाना है तो एलसीएम लेना पड़ता है, तब जाके वो अपॉन का कट होता है। अब देखो 00 कट 6 1 6 6 1 6 6 3 18 19 20 21, 3 बचे 30, 6 5 30 कट हो गए, 1 2 1 2, 7 1 7 7 2 14 7 3 21, तो क्या इक्वेशन बन गया, 35x प्लस 3y इक्वल टू 2 0 5 1 5 5 2 10। चलो इसको ऑल सिंपल फॉर्म में होता है क्या, 35 3 नहीं, ये दूसरा इक्वेशन, मैंने कहा अगर इसको सॉल्व करना है तो और एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो मैंने और एक इक्वेशन बना दिया, ठीक है। अब देखो आसान हो गया, इक्वेशन वन और दूसरा जब मैंने कंपेयर किया, अब जब इसको सॉल्व करना है, एक तो x के कोएफिशिएंट सेम करो नहीं तो y के कोएफिशिएंट सेम करो, तो यहाँ पे कितना है, x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, इसमें y का कोएफिशिएंट 3 है, तो मैं क्या करता, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। सर 3 से ही क्यों किया, अरे भैया जो सेकेंड इक्वेशन बन गया है उसमें y का कोएफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो ठीक है। सर x का करने का करना, फिर 35 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे 35, यहाँ पे 35, 35 बड़ा नंबर, कभी भी छोटे नंबर के साथ खेलने की कोशिश कर, तो मैंने 3 को चुना, 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 0 0 3 0 0 3 9 27 3 1 3 4 5, चलो ये बन गया नया इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 35x प्लस 3y इक्वल टू 10500, ये सेकेंड। अब देखो दोनों सेम है, y के कोएफिशिएंट प्लस साइन है, तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड, थर्ड में से दूसरे को हटा दो, चलो ठीक है, 35 में से 3 गए, 32 33 34 35, कितने बचे, -32x, बड़ा नंबर 35 है, ये प्लस माइनस कट हो गए, अब यहाँ पे कितने हैं
10,500 में से 5,700 गए, 0, 0, 15, 5, 6, 7, तो भी कितने बचे, 8 बचे, 9 - 5, 4, चलो ठीक है। तो यहाँ पे -4800 बड़ा नंबर 10,500 है, माइनस माइनस कट हुआ तो x इक्वल टू 4800 अपॉन 32, 16 1 16 16 2 33 16 3 16 3 48 16 18, हाँ 16 1 16 16 2 32, 16 3 48 और ये 2 0, फिर 2 1 2 और ये 150। तो x इक्वल टू क्या आ गया 150। क्या पूछा हमने, क्या कंसर, लेट आउटेसर ट्रेवल x किलोमीटर बाय बस, x की वैल्यू कितनी आ गई 150 किलोमीटर, और उन्होंने क्या पूछा फाइंड डिस्टेंस विशाल ट्रेवल बाय बस, आउटेसर ट्रेवल x किलोमीटर बाय बस, x किलोमीटर बाय बस, तो विशाल ट्रेवल 150 किलोमीटर बाय बस। बस मैंने यहाँ पे आउटेसर का नाम लिया था, किताब के अंदर विशाल दिया था, और x किलोमीटर विशाल ने ट्रेवल किया था बस से, आखिरी में x आ गया, वही हमारा फाइनल आंसर।